हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एविल टेबलेट के बारे में, जो कि काफी फायदेमंद दवाई थी, काफी अच्छी दवाई थी। बट इसके कुछ रीजंस के कारण इस दवाई को बैन कर दिया गया और यह कुछ जगहों पे मिलती भी और कुछ जगहों पर नहीं भी मिलती है। और इसके क्या रीजंस, इसके अलावा एविल टेबलेट क्या है, इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन का क्या काम है, और आप इसे किस पर्पज में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका रियल यूज क्या है, इसके क्या डोज होनी चाहिए और इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और ये टेबलेट किसको नहीं लेनी चाहिए, यह सभी बातें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं एविल टेबलेट, जो कि आपके पास के मेडिकल स्टोर पे बहुत ही रेयर चांस होता है जो कि आपको मिल जाए। नहीं तो अगर आपके डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन या प्रिस्क्राइब करते हैं तो आपको यह दवाई मिलती है, और वो भी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, सिर्फ 5 से 6 गोलियां या 2-3 गोलियां नॉर्मली आपको मिल जाती हैं। अगर हम बात करें कौन सी कंपनी की, तो है यह सनोफी कंपनी की बनाई हुई टैबलेट है। अगर हम बात करें सनोफी कंपनी काफी जानी मानी कंपनी है, जो कि आपकी कॉम्बीफ्लेम, जो कि काफी जानी मानी दवाई है कॉम्बीफ्लेम, वो इसी कंपनी की बनाई हुई है। अब हम बात करते हैं एविल का क्या प्राइस होता है। एविल का बहुत ही सस्ता प्राइस होता है, जैसे कि आपको 6 रुपए की प्राइस में आपको पूरा स्ट्रिप मिल जाता है। बट इस पूरा स्ट्रिप इसको नहीं दिया जाता, सिर्फ 2 से 3 गोलियां दी जाती है। तो यह थी एविल के बारे में जानकारी। अगर अब हम बात करें एविल में क्या कॉम्बिनेशन है, क्या इंग्रेडिएंट्स है, तो इसमें एक ही कॉम्बिनेशन है जो कि फेनारामाइन मिलेट है, जो कि यह एक तरह का एंटी हिस्टामिन होता है, जो कि किसी तरह के जैसे कि एलर्जी की प्रॉब्लम होना, रनिंग नोज, इचिंग या एलर्जी बढ़ जाना, जैसे कि एलर्जी की मेडिसिन, जैसे कि आपको किसी तरह का एलर्जी या रनिंग नोज की तरह की कोई दवाई चल रही है या उसमें कोई पर्पज का किसी तरह का मेडिसिन कोर्स चल रहा है, तो उसमें एविल दिया जाता है, जिस तरीके से कि उस जो भी आपकी दवाइयाँ चल रही है उस दवाइयाँ का स्ट्रेंथ डबल हो जाए, और वो आपको जो भी कोई प्रॉब्लम है एलर्जी की या कोई भी स्किन एलर्जी या किसी भी पर्पज के लिए, रनिंग नोज के लिए भी है, तो वह स्ट्रेंथ को डबल करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, इस तरीके की पर्पज में इसे इस्तेमाल किया जाता है। वो भी ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड समय तक ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो काफी हानिकारक हो सकता है। तो यह तो इसके एंटी हिस्टामिन टेबलेट है और यह इसके इस तरीके से काम है। अगर हम बात करें इसके क्या रीजन थे कि यह बैन हो गई या यह बहुत ही कम मिलता है, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि यह इस गोली को नशे के रूप में इसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि इसका अगर आप ओवर डोज ले लेते हैं या 2 से 3 गोलियां ले लेते हैं इकट्ठी, तो आपको नींद आ सकती है। हमने पहले बात कर चुके हैं जो कि एक एंटी हिस्टामिन सॉल्ट, जो कि इसके लेने के बाद नींद आती है या चक्कर भी आता है, इस तरह की प्रॉब्लम होती है एंटी हिस्टामिन लेने के बाद, तो इसी तरह का एविल में भी है। यह एक एंटी हिस्टामिन सॉल्ट होता है जो कि इसके लेने के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा नींद आता है। तो यही था इसका मेन रीजन, जो कि यह बहुत ही कम मिलता है या बहुत ही रेयर या बैन हो चुका है, इस तरीके की बातें। अब हम बात करते हैं इसकी डोज। तो इसे दिन में सिर्फ सिर्फ एक ही बार लेना चाहिए, जो कि एक एंटी हिस्टामिन टेबलेट का डोज सिर्फ सिर्फ दिन में एक ही बार होता है। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, अगर आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं दिन में 2 बार लेने की, तो आप ले सकते हैं, पर आप लिमिटेड समय तक ही लें, लंबे समय तक बिल्कुल ना लें। और आप इसे लेने के बाद ड्राइविंग करना या आपको किसी तरह का कोई काम है तो आप ना करें, क्योंकि इसके इसीलिए इस टैबलेट को कहा जाता है आप रात को सोते वक्त ही लें, क्योंकि इसके लेने के बाद ज्यादा से ज्यादा नींद आती है। इसी यही कारण है कि इसे दिन में नहीं दिया जाता। अगर अब हम बात करें इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो जैसे कि अगर आप इसे लंबे समय तक लेते हैं तो आपको साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वैसे अगर हम बात करें इसके लेने के तुरंत 10 से 15 मिनट के बाद अगर आपको साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, तो यह बहुत ही रेयर चांस होता है जो कि आपको साइड इफेक्ट्स देखने को मिले, जैसे कि एलर्जी होना या जलन होना या वॉमिटिंग होना, इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है अगर आपके लेने के तुरंत 15 से 20 मिनट के अंदर यह तरह का रिएक्शन दिखता है। तो अगर हम बात करें इस टेबलेट को लंबे समय तक लेना, या जैसे कि आप नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं या किसी भी पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं लंबे समय तक, तो आपकी बोन्स, किडनी, इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर पे इफेक्ट पड़ सकता है, इसीलिए आप इस टैबलेट को लंबे समय तक बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, और इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मेसिस्ट से जरूर कंसल्ट करें। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी है तो भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। तो यही था एविल टैबलेट के बारे में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो या जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको ये वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।